हेलो फ्रेंड्स, क्लास 8 सब्जेक्ट हिस्ट्री, लेसन नंबर 1 सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। वी हैव स्टडीड द सोर्सेस ऑफ एंशियंट एंड मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, मींस हमने प्राचीन व मध्ययुगीन भारत के इतिहास के साधनों का स्टडी किया था। अब हमें देखना है आधुनिक भारत के इतिहास के साधन। इतिहास के साधनों में मटेरियल सोर्सेस, रिटर्न सोर्सेस एंड ओरल सोर्सेस इंक्लूड होते हैं। सिमिलरली मटेरियल सोर्सेस में आधुनिक तंत्रज्ञान पर आधारित कुछ दृक श्राव्य साधन जो ऑडियो विजुअल साधनों का भी समावेश यहाँ पर होता है। सबसे पहले मटेरियल सोर्सेस, वेरियस ऑब्जेक्ट्स, मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस, कॉइन्स, स्कल्पचर एट्सेट्रा कैन बी इंक्लूडेड इन द मटेरियल सोर्सेज, जैसे कि स्मारक वगैरह वहाँ पर होते हैं। बिल्डिंग्स एंड प्लेसेस, इमारती और वास्तु। द पीरियड ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री मीन्स जब हमारे देश में यूरोपियन विशेषतः ब्रिटिश सत्ताधीशों और संस्थानिकों का राज चलता था उसे माना जाता है। इसका कालखंड में बहुत सारे इमारतें, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, वाटर सप्लाई सिस्टम एट्सेट्रा बांधे गए थे यानी बिल्ट किए गए थे। एंड गवर्नमेंट ऑफिसेज जैसे कि राजाओं के रहने के मकान, अधिकारियों के मकान, किले, प्रिजंस मीन्स जेल आदि का समावेश यहाँ पर होता है। इनमें से कुछ वास्तुओं को राष्ट्रीय स्मारक कहकर घोषित किया गया है और कुछ इमारतियों में संग्रहालय कन्वर्ट किए गए हैं। फॉर एग्जांपल अंडमान का जो सेलुलर जेल है, इन अंडमान, उसका भी म्यूजियम में कन्वर्टन किया गया है। वाइल विजिटिंग दीज साइट्स वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट अ कंटेम्पररी हिस्ट्री, तो हमें उस समय के जो तत्कालीन इतिहास था उसकी स्थापत्य कला की जानकारी वहाँ से मिलती है। फ्रॉम द नेचर ऑफ मॉन्यूमेंट्स वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट देयर इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर पीरियड। डू यू नो म्यूजियम्स एंड हिस्ट्री, म्यूजियम्स का और हिस्ट्री का क्या संबंध है? फॉर द स्टडी ऑफ हिस्ट्री वेरियस ऑब्जेक्ट्स, पेंटिंग्स, फोटोग्राफ्स एंड सच अदर थिंग्स आर प्रिजर्व इन अ म्यूजियम एट द आगा खान पैलेस। यहाँ पर हमें पिक्चर दिया गया है आगा खान पैलेस, जो कि महात्मा गांधी के एक म्यूजियम माना गया है, जहाँ पर महात्मा गांधी जो चीज़ें यूज करते थे उसका संग्रह वहाँ पर किया गया है। ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट्स गिविन इन्फॉर्मेशन अबाउट द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, जो कि महात्मा गांधी जी के लाइफ के बारे में हमें जानकारी देते हैं। स्टैचूज एंड मेमोरियल्स, ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, यानी कि स्वतंत्रोत्तर और स्वतंत्र होने से पहले जो हमारा जो देश था वहाँ पर बहुत सारे स्टैचूज बनाए गए थे, बहुत सारे व्यक्तियों के स्मारक बनाए गए थे। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट सोर्सेस माना जाता है। उन व्यक्तियों के सामाजिक प्रतिष्ठा की जानकारी हमें उससे मिलती है, उनके पर्सनैलिटीज़ की जानकारी उससे हमें मिलती है। दिस स्टैचूज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द स्टडी ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंड द डिस्प्ले प्लेक ऑन द स्टैचूज गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द फुल नेम ऑफ कंसर्न पर्सन। जो पट्टी होती है वहाँ पर उसके उस पर उनका पूरा नाम दिया होता है, इस व्यक्ति का उसका बर्थ डेट वहाँ पर दी गई होती है। फॉर एग्जांपल महात्मा फुले, लोकमान्य तिलक, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मेमोरियल्स वहाँ पर है। मेमोरियल्स विच आर इरेक्टेड इन द मेमोरी ऑफ वेरियस इवेंट्स विच गिव इंफॉर्मेशन अबाउट देम, उनकी इंफॉर्मेशन हमें वहाँ से मिलती है। अब हम देख सकते हैं तो हमें क्या करना है, हमारे आजू बाजू में अगर कोई स्मारक वगैरह होता है, ट्रेस आउट द स्टैचूज एंड मेमोरियल्स इन योर नेबरिंग एरियाज, नोट डाउन द इंफॉर्मेशन ऑफ एन इवेंट और पर्सनैलिटी दैट यू ऑब्टेन थ्रू इट। हमारे आजू बाजू में अगर कोई स्मारक है तो उसकी जो इंफॉर्मेशन है उस पर लिखी गई वो हमें लिखनी है, नोट करनी है, उनकी पर्सनैलिटी की जानकारी हमें वहाँ पर चाहिए, जाके हुतात्मा स्मारक वगैरह के बनाए जाते हैं। रिटर्न सोर्सेस, तो रिटर्न सोर्सेस में क्या क्या आता है?
foreign accounts, newspapers, biographies, books, autobiographies, factory records, correspondence, periodicals, etc. तो सबसे पहले हम देखेंगे न्यूज़पेपर एंड पीरियडिकल्स मीन्स वृत्तपत्र एंड नियतकालिक. न्यूज़पेपर्स आर प्रोवाइड अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द कंटेम्पररी इवेंट्स यानी तो समकालीन जो घटना होती है उनकी जानकारी हमें न्यूज़पेपर से मिलती है और उसमें उसका जो इवेंट्स का सखोल विश्लेषण यानी मतमतांतर जो होते हैं उन लोगों के उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है. एमिनेंट टॉप पीपल एडिटोरियल्स आर ऑल्सो पब्लिश्ड वहाँ पर पब्लिश किए जाते हैं. वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल हैपनिंग ऑफ दैट पीरियड उस समय की सामाजिक और राजकीय घटना जो होती है जो कंडीशंस होती है उसके बारे में हमें पता चलता है. न्यूज़पेपर लाइक ज्ञानोदय ज्ञान प्रकाश अमृत बाजार पत्रिका दीनबंधु केसरी एक्टेड एज इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ अवेकिंग द माइंड्स ऑफ द पीपल तो लोगों को प्रेरणा देते हैं ऐसे जो प्रबोधन करते हैं लोगों का ये जो न्यूज़पेपर होते हैं राजकीय नहीं तो सामाजिक प्रबोधन का भी कार्य ये करते हैं. ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड न्यूज़पेपर वेयर नॉट ओनली सोर्स ऑफ पॉलिटिकल इवेंट बट ऑल्सो एक्टेड एज ए सोर्स ऑफ सोशल रिफॉर्मेशन जैसे कि जो निबंधवाला बाय विष्णु शास्त्री चिपळूणकर एंड शतपत्र रिटर्न बाय लोकहितवादी मीन्स गोपाल हरी देशमुख इन द वीकली प्रभाकर कमेंट्स ऑन वेरियस सोशल एंड कल्चरल इश्यूज. लेट अस नो अब हमें जानकारी लेनी है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एंड न्यूज़पेपर. इन जनवरी 1920 डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्टार्टेड द फोर्टनाइटली मुकनायक उन्होंने मुकनायक यह वृत्तपत्र स्टार्ट किया था बट लेटर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जब इंग्लैंड को स्टडी के लिए गए थे तब उन्होंने वो अपने कलीग के हाथों में यानी अपने सहकारी के हाथों में सौंप दिया था. इन अप्रैल 1927 डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्टार्टेड द न्यूज़पेपर बहिष्कृत भारत थ्रू द मीडियम ऑफ बहिष्कृत भारत ही रोड फॉर द रिफॉर्मेशन ऑफ कॉमन पीपल एंड ब्रिंगिंग यूनिटी अमंग देम लोगों को एक संघ बनाना और उनको प्रेरणा देना प्रबोधन करना उन लोगों का यह कार्य उन्होंने किया था उस पेपर में से उस वृत्तपत्र में से. अपार्ट फ्रॉम दिस ही ऑल्सो स्टार्टेड टू मोर न्यूज़पेपर नेमली जनता एंड प्रबोधन प्रबुद्ध भारत उन्होंने जनता एंड प्रबुद्ध भारत नाम के दो न्यूज़पेपर फिर से स्टार्ट किए थे जहाँ पर बहिष्कृत भारत का यहाँ पर पिक्चर दिया गया है. मैप्स एंड ड्राइंग्स मैप इज ऑल्सो रिगार्डिंग एज एन इम्पोर्टेंट सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री द चेंजिंग नेचर ऑफ सिटी जो शहर होता है उसका जो स्वरूप चेंज होता है उसकी जानकारी हमें उस मैप से मिलती है. द सर्वे ऑफ इंडिया वॉज एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड ब्रिटिशों के समय जब इंडिया का सर्वे हुआ था दो साइंटिफिक मेथड से तो उस समय कुछ मैप्स बनाए गए थे प्रोविंस ऑफ इंडिया सिटीज़ के. सिमिलरली द प्लान्स डिजाइन बाय द आर्किटेक्ट प्रूव इम्पोर्टेंट फ्रॉम द व्यू ऑफ स्टडी ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ ए बिल्डिंग एज वेल एज फेजेस ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेसेस इस तरह से वहाँ पर वो कुछ मैप्स बनाए गए थे कि जिससे उस शहर की प्रगति यानी विकास हो सकता है ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया उसकी पर्टिकुलर एरिया की विकास हम कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल द डिपार्टमेंट ऑफ मुंबई पोर्ट ट्रस्ट हैज़ द ओरिजिनल प्लान ऑफ द बॉम्बे पोर्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ मुंबई बॉम्बे सिटी की जो डेवलपमेंट है वो कुछ एक पोर्ट मुंबई पोर्ट ट्रस्ट जो है उनके पास है ड्राफ्टेड बाय आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियर्स. नेक्स्ट हम देखेंगे ओरल सोर्सेस में क्या क्या आता है फिर फॉक सॉन्ग्स पवाड़ास फॉक टेल्स नरेशंस इंटरव्यूज फेरी जलसा फेयर्स जलसा आर्ट ग्रुप्स रिदमिक प्रेज मीन्स ओवी इंस्पायरेशनल सॉन्ग्स. सबसे पहले हम देखें इंस्पायरेशनल सॉन्ग यानी प्रेरणादायी जो सॉन्ग्स होते हैं स्फूर्ति गीत. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फ्रीडम मूवमेंट वेरियस इंस्पायरेशनल सॉन्ग्स वेयर कंपोज फ्रीडम मूवमेंट के समय बहुत सारे इंस्पायरेशनल सॉन्ग्स वहाँ पर कंपोज किए गए थे फ्रीडम फाइटर्स को प्रेरणा देने के लिए. थ्रू दिस इंस्पिरेशन सॉन्ग वी कैन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंडीशन ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस पीरियड हमें उस समय की कंडीशंस पता चलती है उससे. पोवाड़ाज इज ए सोर्स फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द हिस्टोरिकल इवेंट्स पर वहाँ पर पोवाड़ा बना जाता है. वर्क ऑफ पर्सन देयर आर वेरियस पोवाड़ाज कंपोज ऑन फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 के स्ट्रगल पर बहुत सारे पोवाड़ाज बनाए गए थे. वैल्यूअर्स ऑफ रिवोल्यूशनरीज ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल
क्रांतिकारियों ने जो कार्य किए थे उससे वहाँ पर हमें उसकी जानकारी मिलती है उस पहाड़े से। दीज पहाड़ वेयर यूज इन क्रिएट मोटिवेशन एंड स्पिरिट, लोगों को प्रेरणादायी होते हैं वो। अमंग द पीपल अपार्ट फ्रॉम फ्रीडम मूवमेंट द पहाड़ा वेयर कंपोज बेस्ड ऑन वर्क एंड सत्य शोधक समाज फॉर अवेकिंग अमंग द अपेड क्लासेस, जो अप्रेस क्लासेस थे उनके लिए भी यहाँ पर सत्यशोधक समाज जैसे पहाड़ बनाए गए थे, उन्होंने कार्य किया था। सॉरी, द संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट्स एंड सच अदर इवेंट्स, वीडियो ऑडियो एंड ऑडियो विजुअल सोर्सेज, जो कि ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी देयर वॉज डेवलपमेंट इन द आर्ट ऑफ फोटोग्राफी, फोटोग्राफ्स की वहाँ पर टेक्नोलॉजी वहाँ पर विकसित हुई थी। ऑब्वियसली दीज रिकॉर्ड्स फिल्म वगैरह सोर्स ऑफ हिस्ट्री, जैसे कि फोटोग्राफ्स जो होते हैं उससे हमें लोगों का स्ट्रक्चर पता चलता है, ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, लोगों के पर्सन्स जो होते हैं, इवेंट्स होते हैं उसका पता हमें यहाँ पर चलता है। पहले जब फोटोग्राफी नहीं थी तब लोग पेंटिंग्स बनाते थे, लेकिन वो विश्वसनीय नहीं माना जाता था, लेकिन फोटोग्राफ्स को उसके अगर हम उसके कंपैरिजन करेंगे, कंपैरेटिव फोटोग्राफ्स आर कंसिडर्ड टू बी द मोर रिलायबल दैन द पेंटिंग्स, देयरफॉर इसका यूज ज़्यादा किया जाता है। द फोटोग्राफ्स ऑफ ए पर्सन गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द फिजिकल फीचर ड्रेसिंग स्टाइल ऑफ, उस व्यक्ति की फिजिकल स्टाइल यानी ड्रेसिंग स्टाइल जो होते हैं वो हमें वहाँ पर पता चलती है। रिकॉर्डिंग द डिस्कवरी ऑफ द टेक्निक ऑफ रिकॉर्डिंग वॉज ऑल्सो एज इम्पॉर्टेंट फोटोग्राफी, रिकॉर्डिंग इज ए फॉर्म ऑफ ऑडियो सोर्सेस, एक ऑडियो सोर्सेस है, पर्सनैलिटीज़ पता चलती है हमें लोगों की उनके स्पीचेस से। ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड द स्पीचेस ऑफ लीडर्स आर इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी सॉन्ग्स एट्सेट्रा अवेलेबल, फॉर एग्जाम्पल द नेशनल एंथम जनगण मन संग बाय रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, स्पीचेस ऑफ सुभाष चंद्र बोस एंड मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री में इसका स्टडी किया जाता है। फिल्म्स, फिल्म्स आर कंसिडर्ड एज ए यूनिक डिस्कवरी ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी 20th सेंचुरी में, देयर वॉज अ ग्रेट डेवलपमेंट इन द टेक्निक। दादा साहेब फाल्के इन द फिल्म ईयर 1913 लेड द फाउंडेशन ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग्स ऑफ दांडी यात्रा, साल्ट सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड सच अदर हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स आर अवेलेबल, दो थ्रू दिस फिल्म्स द इवेंट कुड बी सीन इन रियलिटी। कंपेयर्ड टू एंशियंट एंड मिडिवल पीरियड द सोर्स ऑफ स्टडी ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आर फाउंड इन अबेंडेंस एंड वेरिएट, तो प्राचीन कालखंड का जो हमने सोर्सेस का जो स्टडी किया था उससे हमें यह जानकारी मिलती है कि आधुनिक जो सोर्सेस है वो बहुत ज़्यादा प्रमाण में होते हैं। द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस ऑफ दिस पीरियड आर टू बी अ ग्रेट एक्सटेंट फाउंड इन बेटर स्टेट, देयर आर मेनी रिटर्न सोर्सेज प्रिजर्व इन आर्क्यूज, बहुत सारे रिटर्न सोर्सेज जो है वो आर्क्यूज में जतन किए जाते हैं, यानी वहाँ पर जो लेखागार रहते हैं वहाँ पर वो जतन किए जाते हैं। देयर इज अ ग्रेट नीड ऑफ प्रिजर्विंग दिस हिस्टोरिकल रिसोर्सेज दो थ्रू विच द रिच ट्रेडिशन ऑफ हिस्ट्री कैन बी हैंडल ओवर टू द नेक्स्ट जनरेशन, उसका जतन करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि उसकी जब हम उस सोर्सेज की जतन करेंगे तभी वो दूसरे पीढ़ी के तरफ हम सौंप सकते हैं।